हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है आपके अपने म्यूज़िक ट्यूटोरियल में। सो आज हम बात करने वाले हैं पियानो रोल के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम मतलब कि जैसे कि सिंपल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल तरीके से हम उसमें कॉर्ड कैसे बना सकते हैं। तो कुछ भी जैसे हम सॉन्ग की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, बट जैसे हमारी कॉर्ड्स की प्रैक्टिस होती है, ठीक है, तो उस तरीके से मैं आज आपको बता रही हूँ थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैं मतलब 10 या 11 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। तो आज से फिर से हमारा काम कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आप अपना टेम्पो वगैरह जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए, जिस टेम्पो पर आपको रखना है। एंड उसके बाद अपना पैटर्न तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं लूँगी एफल की मैंने ले ली है यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद हम चलते हैं पियानो रोल में, ठीक है। पियानो रोल में जाने के बाद देखिए, पियानो रोल में जो हम आ जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टैम्प में जाके यहाँ से अपना स्केल ले लेते हैं, ओके। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपना कोई जो आपको चाहिए, जैसे साउंड होती है माइनर हारमोनिक ये जो है ये सब, तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। एंड मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, अदरवाइज आप वहाँ से स्केल लेके उसके ऊपर आप जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो देखिए, हमारा कोई सॉन्ग है, ओके, तो सिंपल तरीके से सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वही घुमा फिरा के वही वाली बात वापस मैं रिपीट करती हूँ हर बार, ठीक है। तो कि जब हम मतलब कुछ भी एक कोड बनाते हैं, ठीक है, तो कोड हमारा तभी बनेगा जब हमें अपने स्केल का पता होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें हमारा रूट नोट ही नहीं पता होगा एंड हमें कोड्स वगैरह हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जैसे कि एक तो होता है कि हाँ, साथ साथ हम सुन रहे हैं, जिन लोगों को म्यूज़िक थ्योरी नहीं पता है तो वो ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि सुन सुन के कि हाँ मतलब इस चीज़ के साथ, इस मेलोडी के साथ ये कोड मैच कर रहा है, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी ये बना सकते हैं। एंड अगर आपको म्यूज़िक थ्योरी का पता है तो फिर तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है, फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है। और जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, देखिए सबसे पहले अब मान लीजिए, चलो मैं आपको कोई मेलेडी बनाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कोड का मतलब क्या चक्कर है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई एक यहाँ से कुछ भी ले लेती हूँ, यहाँ से फ्लूट या कोई भी, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं चलो ये ले लेती हूँ जो भी है ये, तो मैं एक कोई और साथ साथ आप सुन भी लेना, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये मेलोडी क्रिएट कर ली है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक, हमने से यहाँ पर अपना पैटर्न में रखा इधर, ये हमारी एक बार के अंदर बन चुकी है, ओके। यानी कि ये जो हमारा एक यहाँ से वन, ये हमारा यहाँ चार बॉक्स के अंदर एक बार है, ठीक है, वन से यहाँ तक हम काउंट करेंगे तो ये, ओके। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब जैसे कि आई थी कॉर्ड्स की बात, देखिए अब वापस चलते हैं पियानो रोल के अंदर गए, अब इसको हम प्ले करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि हमारी जो साउंड है वो कोड्स में कैसे मैच करेगी, ठीक है। तो हम इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लेते हैं क्योंकि इसकी वॉल्यूम स्टील है, थोड़ा सा हैवी साउंड करेगी, शार्प, ओके। तो वापस हम यहाँ पे आ गए अपना पियानो रोल के अंदर, तो हम यहाँ से ये वापस, एक मिनट, क्योंकि हमें इसको ऊपर रखना पड़ेगा जब हम इसके कोड्स बनाएंगे। हम कोड्स वैसे ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं, इसको हम
उठाएंगे एंड इसको हम ऊपर की तरफ एक स्केल ऊपर और रख देंगे, क्योंकि हमें नीचे कोड बनाने हैं। ठीक है, कोड से हम बनाने को ऊपर ही बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए, अब मैंने ये साउंड सुना है, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं देखूंगी कि हाँ मैं क्या कोड इसके साथ लगा सकती हूँ। लगा के देखना आप। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप जब मतलब कोई भी मेलेडी बनाते हैं तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो साउंड है वो कहाँ मैच कर रही है। ठीक है, तो हम इसमें वैसे तो हमारा एक बार है, तो हमारे इसके अंदर हम एक ही कोड लगाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारे बार्स बढ़ते रहेंगे हम उनको बढ़ा भी सकते हैं एंड घटा भी सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा कोड है ये है मेजर कोड। ठीक है, क्योंकि 4+3 है ये, तो मेजर होगा और 3+4 माइनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो मैंने ये पूरा कोड रख दिया। अब हम अगर हम इन ये जो हमारे चार बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये जो यानी कि 1, 2, 3, 4, अगर हम इनमें अलग अलग रखेंगे तो तब देखते हैं कि क्या बनेगा। माइनर हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा हैप्पीनेस वाली फीलिंग का सॉन्ग लग रहा है, जो इसकी मेलोडी है। और हम चाहें तो हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सुनने में अच्छा लगे। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपको सुनने में वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, यानी कि अगर वो आपको अच्छी लगेगी सुनने में, यानी कि अगर हमारे जो नोट्स हैं वो सब सही हैं, तो आप कोड्स किसी तरीके से भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एंड अगर आपको सुनने में अच्छे लग रहे हैं, अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप फिर से ट्राई करें दूसरी बनाने के लिए। ठीक है, तो आप सिंपली कोड इसी तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, तो आप ऐसे ही करके, अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो मेलोडी है, ठीक है, इसको हम कोई और सा साउंड दे देंगे। ठीक है, कोई और साउंड देखते हैं। अब एक बार फिर से इसको हम चलाएंगे पैटर्न में। तो हमने जो देखिए यहां पर हम रखते हैं इसको, देखिए अब यहाँ पर ये ज्यादा मतलब लो नोट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इस मेलोडी को ऊपर करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट किया,
एंड इसको ऊपर की तरफ ले गए। जो भी आपका स्केल होगा आप वहां पर रखें, ठीक है। रखने को मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं कोड क्या बनेंगे। ये माइनर हो गया एंड ये वापस से मेजर। और जो हमारे नॉर्मल, जो जैसे कि हमारे हो गए मेजर एंड माइनर, वो होते हैं 4+3 मेजर एंड 3+4 माइनर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर इस तरफ यानी कि अलग अलग बार्स में बताती हूँ। और कोड्स जो हमारे होते हैं वो डाउन की तरफ ही होते हैं, बट इतने डाउन भी नहीं कि वो ज़्यादा ही शार्प, वो ज़्यादा ही मतलब हैवी लगे। ओके, मीडियम होने चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से मतलब कोड्स बना सकते हैं जब भी आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है। कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, मेलेडी या कुछ भी, तो आप उसके नीचे पहले ही या तो एक लेयर बना लें, मतलब कि अलग से लेयर लेके, तो उसमें आप देख लें कि आपको मतलब ये जैसे कि एक गोस्ट नोट बना लेते हैं हम, तो उसमें आप अपनी मेलेडी रख लें एंड उसके नीचे ही कोड बनाएं अलग से पैटर्न में, तो तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो साउंड है वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, और आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें। और थैंक यू सो मच।